पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा, अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स, ये क्या दे दिया, ये आपको यूनियन मतलब यूनिवर्सल दे रहा है। प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 285 वॉच फुटबॉल, 195 वॉच हॉकी, 115 वॉच बास्केटबॉल, 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द थ्री गेम्स। हाउ मैनी वॉच ऑल द थ्री गेम्स, हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री गेम्स, ये समझते हैं। पहले हम वन डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वो लोग हैं जो फुटबॉल देखते हैं, और ये वो लोग हैं जो हॉकी देखते हैं, और ये वो लोग हैं जो बास्केटबॉल देखते हैं। ये वो लोग हैं जो फुटबॉल देखते हैं, ये वो लोग हैं जो हॉकी देखते हैं, और ये वो लोग हैं जो बास्केटबॉल देखते हैं। तो ये लोग कितने हैं, ये आपके 285 हैं। ये लोग कितने हैं, ये लोग 195 हैं। और ये लोग कितने हैं, ये लोग 100। अब 45 वो लोग हैं जो फुटबॉल भी देखते हैं और बास्केटबॉल भी देखते हैं, ये वो लोग हैं 45, ये लोग हैं एंड मतलब इंटरसेक्शन, वो 45 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वो लोग जो कि फुटबॉल और हॉकी देखते हैं, वो ये वाले लोग हैं, कितने हैं, 70 हैं। और वो लोग जो हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं, ये वाले लोग कितने हैं, 50 हैं। और फिर बोला है 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द थ्री गेम्स। 50 वो लोग हैं जो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं देखते। वो कौन से लोग होंगे, वो ये वाले लोग होंगे। कौन से लोग होंगे, ये वाले बाहर वाले, ये बाहर वाले होंगे। ये कितने हो जाएंगे, मतलब ये ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जैसे ये पूरा सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट लिए, तो ये क्या बाहर वाला आया, तो वही लोग हैं जो कि कुछ नहीं देखते। तो हमको फर्स्ट में पूछा है ऑल द थ्री गेम्स, हाउ मेनी वॉच ऑल द थ्री गेम्स, कितने लोग हैं जो तीनों गेम देखते हैं, वो ये वाले लोग होंगे, ये वाले लोग जो कि तीनों देखते होंगे, ये वाले लोग ए इंटरसेक्शन मतलब फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, ये वो वाले लोग होंगे जो तीनों देखते हैं। तो हम इसको यूज करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, देखो यूनिवर्सल दे रखा है, सर्वे मतलब यूनिवर्सल, कितना दे दिया 500। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर, 50 के बराबर हो जाएगा। तो 500 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या मिल जाएगा, 450 मिल जाएगा। देखिए हमने यहाँ क्या किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 50, तो ये आ गया। अब हमने इसको कैसे किया, अगर हमारे पास रहता था, देखिए इसको हम लिखने का एक और तरीका है, ए यूनियन
बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन का। किससे? डी मॉर्गन का। तो आपको निकालना था नंबर ऑफ, अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आप कीजिए क्या कीजिएगा, जैसे अगर आपको बोले कि ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल माइनस ए के बराबर, तो आपको बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, सब में एन लगा दी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो उसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे करके निकल जाएगा। तो हमारा ये निकल गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यूनियन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओहो, ये तो एफ एफ एच बी होना था, एफ एच बी होना था, एफ एच बी एफ एच बी, तो यहाँ पे एफ एच बी माइनस एफ इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच, किसके बराबर होगा, 450 के बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस 285 195 115 45 70 50 और ये तो निकालना ही है, ये हो गया 450। अच्छा, इन सभी को जोड़िए क्या आ जाएगा, 285 ये हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 और 195 595 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 595। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना बनेगा, 50 माइनस 70 माइनस 120 और माइनस 120 ये माइनस 165 बन जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच हमको जो कि निकालना है, ये हो जाएगा 450। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 430 हो जाएगा, 430। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 20 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच क्या आएगा, ये 30 के इक्वल आ जाएगा। फिर आगे पूछा है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पूछा है, हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स, वो लोग बताइए जो कि सिर्फ एक ही गेम देखते होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो ये वाले लोग हो जाएंगे। देखिए ये वाला सिर्फ, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ फुटबॉल देख रहे हैं, ये वाले लोग सिर्फ हॉकी देख रहे हैं, और ये वाले लोग सिर्फ बास्केटबॉल देख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता था, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन एच माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन एच प्लस थ्री टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 285 प्लस 195, ये सेकेंड पार्ट बोल सकते हो, और ये जो था फर्स्ट पार्ट था, ये वाला फर्स्ट पार्ट, प्लस 115 माइनस टू टाइम्स दिस, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, टू टाइम्स इसका, इसका टू टाइम्स माइनस 140, इसका 100 और थ्री टाइम्स इसका
यहाँ पे 20 आया है, तो ये 60 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 595, 595 प्लस 60, 655। इनको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 240, और ये हो जाएगा माइनस का 230 हो जाएगा, माइनस का 230। माइनस का 230 तो आना कितना चाहिए था, कहाँ पे मिस्टेक कर दिए, 40, 45। ठीक है, यहाँ पे थ्री थर्टी आना चाहिए था। हाँ 330 ही तो आएगा, ये देखिए टू, ये हो जाएगा 240, 200 एंड 330। सॉल्व कीजिएगा आपको मिलेगा 325, जो कि हमारा आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 100%, फिर से सर्वे आया। सर्वे का मतलब क्या, यूनिवर्सल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल है। इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए। अच्छा हम समझते जाते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए ये वो लोग हैं जो मैगजीन ए को पढ़ते हैं, और ये वो लोग हैं जो मैगजीन बी को पढ़ते हैं, ये और वो लोग हैं जो मैगजीन सी को पढ़ते हैं। इनको हम ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि लेट ए डिनोट द मैग हु रीड मैगजीन ए, एंड उसी तरह से आप लिख सकते हैं, वो आप लोग लिख सकते हैं। तो पहले बोला इन अ सर्वे ऑफ 100%, सर्वे ऑफ 100% मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना हो गया, 100। सर्वे मतलब यूनिवर्सल, ग्रुप मतलब यूनियन। इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, ये 28 हैं जो कि मैगजीन ए पढ़ते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, 30 रीड मैगजीन बी, ये 30 लोग हैं जो कि मैगजीन बी पढ़ते हैं। 42 रीड मैगजीन सी, ये वो लोग हैं जो कि मैगजीन सी पढ़ते, कितने हैं 42। 8 रीड मैगजीन ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 8 लोग हैं, ये 8 लोग ये वाले लोग हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं, मैगजीन ए भी पढ़ते हैं मैगजीन बी भी पढ़ते हैं। 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, 10 वो लोग हैं जो कि मैगजीन ए और सी पढ़ते हैं, और 5 वो लोग हैं, 5 रीड मैगजीन्स बी एंड सी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ये 5 लोग जो कि मैगजीन बी और सी पढ़ते हैं, और 3 रीड ऑल द मैगजीन्स, ये वाले लोग। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दे दिया, 3 लोग दे दिया। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, वो कितने लोग हैं जो कि कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, तो वो ये वाले लोग हो जाएंगे, ये वाले बाहर वाले लोग, ये लोग कोई मैगजीन नहीं पढ़ते, देखो ये वाले लोग, ये। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, उसमें से यूनिवर्सल में माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाले लोग मिल जाएंगे। तो हम यहाँ यही करते, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा के यूनियन का, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 28 प्लस 30 प्लस 42 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 3, ये सॉल्व करके कितना मिलेगा,
ये देखिए 42 + 30 = 72, 72 और 28 = 100 मिल जाएगा। माइनस ये हो जाएगा 8 = 15, 15 और ये 20, ये 80 लोग हो गए। जैसे मैंने यहाँ क्या किया ना कि ये हो गया 15, 23 और उसमें 3 जोड़ा तो 20 बच गया। अब हमको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, तो नंबर ऑफ पर्सन पर्सन नंबर ऑफ पर्सन रीड नन ऑफ द मैगजीन, नन ऑफ थ्री मैगजीन इज, थ्री मैगजीन इज, आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर दीजिएगा। तो यूनिवर्सल कितना है 100 माइनस 80, तो ये कितना मिलेगा, ये 20 मिल जाएगा। देखिए हमने क्या क्या इस पूरे पोर्शन निकाले, उसके बाद इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दिए तो हमको ये वाला पोर्शन मिल गया। तो वो कितने लोग होंगे, 20 लोग होंगे। इनको हम एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, वो कितने लोग हैं जो कि मैगजीन सी पढ़ते हैं। देखिए हम ये वाले लोग होंगे जो कि सिर्फ सी मैगजीन पढ़ते हैं और कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते, ये वाले लोग ओनली सी, और ये वो वाले लोग थे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इनको कैसे निकाले, देखो यहाँ पे लिखते हैं पर्संस हु रीड मैगजीन मैगजीन सी ओनली मैगजीन सी ओनली। तो देखो ये पूरा सी है, इस सी में से, इस सी में से अगर हम ये वाला पोर्शन ठीक और ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और फिर हमको एक बार ये वाला पोर्शन को जोड़ना भी पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वाला पूरा पोर्शन में से, ये वाला पूरा पोर्शन में से ये पोर्शन माइनस हो चुका है, माइनस हो चुका है, ये पोर्शन माइनस हो चुका है, फिर हमने ये वाला पोर्शन माइनस किया तो ये वाला पोर्शन दोबारा माइनस हो गया। तो हम एक पोर्शन को इस जगह पे दो बार तो हटा नहीं सकते, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए एक बार जोड़ देंगे जिससे ये वाला पोर्शन बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन एक बार जोड़ दे रहे हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। अब वैल्यू रख दीजिए 42 माइनस ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी सॉरी सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी जो कि 5 है प्लस 3, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके 30 आ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 14। इसमें भी सेम दे रखा है, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस वेयर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश 26, संस्कृत एंड हिंदी 8, नो लैंग्वेजेस इज 24, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग हिंदी एंड हाउ मेनी स्टूडेंट वी आर स्टडिंग इंग्लिश एंड। तो हम इसको दो पार्ट से ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, दो पार्ट से ट्राई करेंगे करने का।
तो फर्स्ट मेथड समझते हैं। पहला मेथड, ठीक, देखिए ये वो वाले लोग हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी पढ़ रहे हैं, और ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर समझते हैं, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, ये क्या दे दिया, यूनिवर्सल दे दिया, तो 100 है, ठीक, पहला क्लियर हुआ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस वेयर फाउंड, ठीक है। फिर है इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला इंग्लिश ओनली का मतलब ये वाला कितना दे दिया है, 18 दे दिया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश ओनली, इसको बाद में समझते हैं, अभी सिर्फ 18 ऐसे लिख लेते हैं। इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, देखिए नॉट ए का मतलब क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ क्या बोला, नॉट हिंदी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, बट मतलब इंटरसेक्शन, और हिंदी मतलब हिंदी का कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया 23, ये वाला तो क्लियर हो गया। इंग्लिश एंड संस्कृत तो क्या हो गया, मतलब इंटरसेक्शन, इंग्लिश एंड संस्कृत कितना, 8, ये भी हो गया। इंग्लिश 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, ये वाले लोग, ये वाले स्टूडेंट जो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो 26 हैं। संस्कृत और हिंदी जो पढ़ रहे हैं, संस्कृत और हिंदी पढ़ रहे हैं, ये वो वाले लोग होंगे, ये देखिए ये वाले लोग कितने हैं, 8 हैं। और जो कुछ नहीं पढ़ रहे वो क्या है, जो कि कुछ नहीं पढ़ रहे हैं वो ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, एच का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, एस का कॉम्प्लीमेंट 24, ये बाहर वाले लोग जो कि कुछ नहीं पढ़ रहे हैं सब में से, ये हमें गिवन दे रहा। अब हमको फर्स्ट में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर स्टडिंग हिंदी, वो कितने लोग हैं जो कि हिंदी पढ़ रहे हैं, मतलब देखिए ये वाले लोग, ये वाले लोग होंगे जो हिंदी पढ़ रहे होंगे, ये देखिए ये वाले लोग क्या होंगे जो कि हिंदी पढ़ रहे होंगे। तो हमको यही निकालना है फर्स्ट पार्ट में, तो इसको कैसे निकालते हैं, इंग्लिश ओनली का मतलब ओनली इंग्लिश को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, मतलब ई इंटरसेक्शन एच। लेकिन देखिए एक बार जब ये वाला पोर्शन माइनस किए तो ये वाला पोर्शन हट चुका है, और जब दोबारा ये वाला पोर्शन माइनस किए तो क्या हुआ, ये पोर्शन एक बार और हट गया, तो दो बार हट गया। एक बार बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक, कर दिए। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं ना, देखिए ये वाले हैं और ये वाला है, ये आपका पोर्शन ई इंटरसेक्शन एच है और ये वाला पोर्शन आपका ई इंटरसेक्शन एस है, हमने इस पोर्शन को माइनस किया, ठीक, हमको ये वाला टोटल पोर्शन माइनस करना, है, ठीक, हमने ये वाला पोर्शन माइनस कर चुके हैं, अब हमको बस यही वाला पोर्शन माइनस करना है, और ये टोटल पोर्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एस है, तो ई इंटरसेक्शन एस में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमको यही वाला पोर्शन मिलेगा, तो अगर हम माइनस कर तो ये वाला आ जाएगा, जिससे अगर हम इस पोर्शन को माइनस करें तो हम क्या लिखेंगे, माइनस दिस, इस पोर्शन में से ई पोर्शन हटा देंगे तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो देखिए माइनस करेंगे ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई दे रखा है 26,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एस तो दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम आइए साइड में कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमको दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच, जो कि हमारा 23 दे रखा है। जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस कर दीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी से, और इसको हम ए माइनस बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए माइनस बी भी बोलते हैं। तो जो कि 23 दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना है, 26। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा, 26 माइनस 23 दैट इज 3। तो हमको एक चीज तो मिल गया, क्या मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच मिल गया, जो कि 3 है। अच्छा, तो हमको ई इंटरसेक्शन एच यहाँ डाल दीजिए, 3 ये दे रखा है 8, और ये हमको निकाल लेंगे, तो इंग्लिश ओनली कितना है, 18 दे रखा है। तो 18 इक्वल टू 26 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस कितना मिल गया, 3 मिल जाएगा। चलिए एक और पार्ट सॉल्व हो गया। अभी तक हिंदी का काम नहीं किए हैं। अच्छा, एस एच इंटरसेक्शन एच दे रखा है, 20 दे रखा है। अच्छा अब इसका यूज करते हैं, यहाँ समझने लायक, यहाँ समझिएगा। जैसे आपको दे दिया ना ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन एच सॉरी ई यूनियन एच यूनियन एस का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एच यूनियन एस, तो ये 24 है, ये 100 है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच यूनियन एस क्या मिल जाएगा, 76 मिल जाएगा। ठीक, 76 मिल गया। देखिए इंटरसेक्शन मिल गया, तीनों का इंटरसेक्शन मिल गया, ई मिल गया, बच क्या गया, बच आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच बच गया, तो वो कैसे निकलेगा। अच्छा अब यूनियन मिल गया है ना, तो अब यूनियन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं, अब यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन एस क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन एच देखिए सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, वो क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट निकल चुका है, ये वाले लोग,
कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको फर्स्ट पार्ट पर काम करना। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो सके निकल जाए, E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन S, तो ये कितना है, 76 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H तो नहीं पता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S भी नहीं पता। E इंटरसेक्शन H 3, E इंटरसेक्शन S 8, S इंटरसेक्शन H 8, और ये 3, ये से ये कैंसिल, तो ये इधर जाएगा तो 50 बन जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस 16, तो ये इधर गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 34 के बराबर हो गया। क्वेश्चंस में थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर एक लाइन मिसिंग हो गया है कि जो संस्कृत है ना, वो संस्कृत जो पढ़ रहे हैं वो 48 दे रखा है, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं वो 48 दे रखा है, मतलब हमारे पास NS दे दिया 48, और यहाँ से क्या आया था NH प्लस NS 66 था, यहाँ पे NS के वैल्यू डाल दीजिए 48 66, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी निकल गया। अब हम इसी को सेकेंड मेथड से करेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से करेंगे, तो आइए सेकेंड मेथड से इसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सेम है यूनिवर्सल आपको वही कितना दे दिया, यूनिवर्सल आपको वही 100 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच आपको वही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई दे रखा है 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस दे दिया वही 48, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन एच 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एस, ई इंटरसेक्शन एस 8, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S का कॉम्प्लीमेंट आपको 24, और E ओनली आपको दे रखा है 18, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E का इंटरसेक्शन H का कॉम्प्लीमेंट 23 दे रखा, सब वैसा का वैसा ही दे रखा है, बस हमको क्या बोला, वेन डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए ये वो लोग हैं जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो कि, ये लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, और ये लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। इस पोर्शन को ए बोलिए, इस पोर्शन को ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए, इसको ई बोल दीजिए, इसको एफ बोल दीजिए, और इसको जी बोल दीजिए। तो हम ऐसे पोर्शन का नेमिंग कर लेंगे। हमको बोला है क्या कि जो ई ओनली है वो 18 है, मतलब ए क्या दे रखा है, ए 18 दे रखा है, ई ओनली, देखिए ये वाला ई ओनली 18 दे रखा है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन है, E इंटरसेक्शन S में क्या आ रहा है, E और S में, देखिए E और S में E और G आ रहा है ना, तो लिखिए क्या दे रखा है, 8 दे रखा, मतलब E प्लस G कितना दे दिया, 8 दे दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लीजिए। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन H, H S इंटरसेक्शन H मतलब H और S में कॉमन, देखिए ये G और F कॉमन है, तो इसको सम करके लिख दीजिए, मतलब ये पोर्शन होता है ना एच इंटरसेक्शन एच, और इसमें क्या आ रहा है, एफ और जी आ रहा है, तो इनको सम करके लिख दिए क्या, 8 के बराबर, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। फिर एन ई 26 दे दिया, तो ए में क्या आ रहा,
ए देखिए, ये पूरा ए है, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए डी ई जी आ रहा है, तो सम करके लिखिए ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी 26, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ठीक, फिर एन एस मतलब ये वाला पूरा, मतलब ये वाला पूरा किसके बराबर हो गया, एन एस 848, तो सबको जोड़ के लिखे, ई आ रहा, जी आ रहा, एफ आ रहा, सी आ रहा, 48 हो गया इक्वेशन। तो इसी तरह से 4 इक्वेशन अभी तक आ चुके हैं। हो गया ये, हो गया ये, हो गया ये, हो गया हो गया हो गया हो गया, अब ये बचा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई ई इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ई तो आए लेकिन एच ना आए, ई तो आए लेकिन एच तो ना आए, तो इसका मतलब समझिए, मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब ई आए लेकिन एच ना आए, देखिए ये वाला एच नहीं आ रहा इसमें, देखिए एच नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ई तो आए लेकिन एच ना आए, एच का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट एच, एच नहीं आए, तो ये हो गया ए प्लस ई, ये 23 दे रखा है, 5 हो गया, ये समझ गए। अच्छा, इसी में से अब हमको क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के वैल्यूज़ निकालने हैं इस सभी इक्वेशंस को यूज करके। तो ए प्लस ई 23 है, हम पहले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ए हमारा 18 दे रखा है, तो 23 माइनस 18, ई कहाँ आ गया, ई हमारा 5 आ गया। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ई प्लस जी 8 दे दिया, जी 8 माइनस 5, जी क्या आ गया, जी 3 आ गया। हम इस इक्वेशन 2 की इस्तेमाल कर रहे हैं, जी प्लस एफ 8 दे रखा है, तो जी प्लस 3 सॉरी 3 प्लस एफ 8, तो एफ यहाँ से 5 आ गया, थोड़ा गिचमिच हो गया, समझ लीजिएगा। अब हम जी एफ, हाँ ठीक है, हम इक्वेशन 4 की इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या दे दिया, ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी 48 दे रखा है, ई हमारा 3 है, जी हमारा 5 है और एफ हमारा 5 है, तो यहाँ से सी क्या आ गया, 35 आ गया, तो 1 2 3 4 5 तो निकल गया, यहाँ से जी निकल जाएगा, यहाँ से हमारा डी निकल जाएगा, इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके डी निकाल लीजिए, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी क्या है, 26 के बराबर है, तो ए 18, डी डी निकाल लेंगे, ई 5, जी 3, 26, डी कितना हो जाएगा, 18 प्लस 8 26, तो यहाँ तो आपका डी 0 आ गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, एन एस ई जी प्लस एफ सी, ठीक है, तो आपका डी 0 आ गया, डी 0 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमारा ए निकल गया, ई निकल गया, डी एफ जी निकल गया, हमारा बी रह गया है, हमको बी निकालना है, तो हमारे पास हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच यूनियन एस का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन एच, ये कितना है, ये 24 है और ये हमारा क्या है, 100 है, तो ये अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच यूनियन सी क्या हो गया, 76 हो गया। तो तीनों का यूनियन मतलब सबको जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस प्लस ई प्लस एफ प्लस जी 76 के इक्वल हो जाएगा। तो रख दीजिए वैल्यू 18, बी निकालना है, सी हमारा 35 आया है, डी हमारा 0 आ गया है, ई हमारा 5 आया है, 5 आया है, 3 आया है, 76 आया है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 35 45, 48 48, और ये हो जाएगा 66। तो B हमारा क्या आ जाएगा, 76 माइनस 66 तो कि 10 आ गया। तो यहाँ से हमारा B 10 आ गया है। अब हमसे पूछा क्या था, सबसे पहले तो हमसे पूछा था कि क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग हिंदी। तो ये वाले लोग होंगे स्टडिंग हिंदी, तो ये वाले लोग होंगे, देखो ये वाले लोग। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें डी आ रहा, बी आ रहा और जी और प्लस एफ आ जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, डी 0 है, बी हमारा 10 है, जी हमारा 3 है और एफ हमारा 5 है। देखिए 18 आ गया, फर्स्ट बार में भी 18 ही आया था, और सेकेंड में बोल रहा है, सेकेंड में पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का कॉमन पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जिसमें डी और जी आ रहा, स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश क्या हो जाएगा, डी प्लस जी हो जाएगा, डी 0 है और जी 3 है, देखिए 3 आ गया। तो ये हमारा सेकेंड मेथड था, आपको जो आसान लगे आप वो मेथड को अपना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा है, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 persons लाइक प्रोडक्ट पी वन, 26 लाइक प्रोडक्ट पी टू, 29 प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट पी थ्री, इफ 14 persons लाइक पी वन एंड पी टू, 12 लाइक पर्सन पी थ्री। हाँ ये सब समझते रहे, तो ये वो लोग पर्सन है, ये पी वन मान लेते हैं, ये पी वन पर्सन है जिनको प्रोडक्ट पी वन पसंद है, ये वो पर्सन है जिनको प्रोडक्ट पी टू पसंद है, और ये वो पर्सन है जिनको प्रोडक्ट पी थ्री पसंद है। ठीक, तो नंबर ऑफ पर्सन्स पसंद है जिनको प्रोडक्ट पी वन, वो कितने हैं, वो 21 पर्सन्स है, ये वाले पर्सन जिनको प्रोडक्ट क्या पी वन पसंद है, वो लोग जिनको प्रोडक्ट पी टू पसंद है, ये वाले लोग हो जाएंगे कितने हैं, देखिए जिनको पी वन पसंद था वो 21 है, जिनको पी टू पसंद है वो 26 है, और जिनको पी थ्री पसंद है वो कितने हैं, 29 है, वो ये वाले लोग हैं। इफ 14 persons लाइक पी वन एंड पी टू, वो पर्सन जिनको पी वन और पी टू दोनों पसंद है वो ये वाले लोग हो जाएंगे, कितने हैं, 14 है। persons लाइक पी थ्री एंड पी वन, ये वाले लोग कितने हैं, 12। पर्सन लाइक पी टू एंड पी थ्री 14, ये वाले लोग हो जाएंगे 14 पसंद है। एंड 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स, तो ये वाले लोग जिनको तीनों पसंद है कितने हैं, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। तो हमको क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट्स पी थ्री ओनली, मतलब ये वाले लोग जिनको सिर्फ पी थ्री पसंद है, पी थ्री ओनली,
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे में से, इस पूरे में से माइनस कर देंगे ये वाला। हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस करना होगा हमको। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमको माइनस करना होगा। तो हम इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, पी वन इंटरसेक्शन पी थ्री। ये वाला पोर्शन तो अब हट गया, हट गया यहाँ से, डिलीट हो गया ये पोर्शन। अब ई पोर्शन को हटाना है, तो इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम पी टू इंटरसेक्शन पी थ्री बोलते हैं। ठीक, हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पी टू इंटरसेक्शन पी थ्री में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। देखिए ना, ये वाला पोर्शन हमको हटाना था, तो हम सीधा लिखे P1 इंटरसेक्शन P3। अब हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन, देखो ये पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दिए, तो भी क्या आएगा, तो भी तो वही आएगा। इस मेथड को एक और तरीका होता है समझने का, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं अगर आपको पहले वाला नहीं समझ में आया हो। तो देखिए वही बना जो पहले बना था। ठीक, पहले जो बना, पहले हमने क्या बताया था कि ये वाला पोर्शन आप माइनस कीजिए, ये वाला पोर्शन माइनस कीजिए। ये वाला पोर्शन दो बार माइनस हो गया, ये वाला पोर्शन दो बार माइनस हो गया, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो हम वही करते थे, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए हमको ये निकालना है, तो हम सिंपली यूज करते हैं ना कि नंबर ऑफ पर्संस लाइक प्रोडक्ट पी थ्री ओनली। तो उसके लिए क्या बता, अभी बताएं, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी थ्री माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन पी थ्री माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी टू इंटरसेक्शन पी थ्री प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी वन इंटरसेक्शन पी टू इंटरसेक्शन पी थ्री। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी थ्री क्या है, 29, ये 12 देखिए, और ये 14, और ये कितना 8 सॉल्व करना है। तो 29 प्लस 8 37, और ये 26 सॉल्व करेंगे 11 आ जाएगा, हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 14 बताया, चलिए इसमें भी बता ही देते हैं। तो अनदर मेथड, आप अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप वही कीजिएगा, पहले आप वेन डायग्राम मतलब बना लीजिएगा सेट्स का, कि ये वो लोग होंगे जिनको P1 प्रोडक्ट पसंद होगा, ये वो लोग होंगे जिनको P2 प्रोडक्ट पसंद होगा, और ये वो लोग होंगे जिनको P3 प्रोडक्ट पसंद होगा। तो इस पोर्शन को नाम दीजिए A, इस पोर्शन को नाम दीजिए B, इस पोर्शन को नाम दीजिए C, इस पोर्शन को नाम D, इस पोर्शन को F, इस पोर्शन को G। आपको पता है ये वाला पोर्शन ओनली P1 कहलाएगा, ये वाला पोर्शन ओनली P2 कहलाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना सिर्फ ये वाला, मतलब आपको C निकालना है। क्या करना है, आपको C निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 क्या दे दिया, 21 दे रखा है, 21 दिया ना। P1 में क्या आ रहा, P1 में A आ रहा, D आ रहा, G आ रहा और E आ रहा। इनको सम करके लिख दीजिए, ये किसके बराबर होगा, 21 के बराबर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P2 क्या दिया है, 26 दिया है। तो देखिए P2 में क्या आ रहा, P2 में D आ रहा, G आ रहा, B आ रहा, F आ रहा, सबको जोड़ के किसके इक्वल हो जाएगा, 26 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन टू हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P3 29, उसी तरह से कीजिए, E प्लस G प्लस F प्लस C किसके बराबर हो गया, 29 के बराबर।
फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी वन इंटरसेक्शन पी टू क्या है, 14 है। पी वन और पी टू में क्या आ रहा, डी और जी आ रहा। ये देखिए पी वन और पी टू में डी और जी आ रहा, डी और जी किसके बराबर हो गया, 14 के बराबर हो गया। यहीं पे कर लेते हैं ना, क्या हाँ उधर जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी थ्री इंटरसेक्शन पी वन 12। देखो ई और जी आ रहा, पी वन और पी थ्री में ई और जी आ रहा, तो इनको जोड़ के लिख दीजिए। पी टू इंटरसेक्शन पी थ्री में क्या आ रहा, देखिए जी और एफ आ रहा। पी टू और पी थ्री में, देखिए पी टू और पी थ्री में जी और एफ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी वन इंटरसेक्शन पी टू इंटरसेक्शन पी थ्री 8 के इक्वल। देखिए इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये वाला है, इसमें क्या नाम है इसका, जी है, 8 के बराबर है। तो देखिए हमको जी क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब इसी तरह से हम पीछे में चलते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हम ये सारे इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, एक बार पीछे हम फिर से लिखते रहे, एक बार पीछे हम फिर। तो देखिए हमने जो पीछे इक्वेशन बताया था वो सारे इक्वेशन हमने लिख रखे। जी का वैल्यू 8 दे रख, 8 मिल गया। तो इक्वेशन सिक्स से क्या मिलेगा, जी प्लस एफ 14 के बराबर है। तो एफ यहाँ से क्या मिलेगा, एफ हमको यहाँ से 6 मिल जाएगा। इक्वेशन फाइव, ई प्लस जी इक्वल टू 12 है। ई प्लस जी यहाँ से हमको ई क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। इक्वेशन फोर, यहाँ पे हमारे पास d प्लस जी किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो यहाँ से d क्या मिलेगा, 6। इक्वेशन थ्री, e प्लस जी प्लस एफ प्लस सी 29 के बराबर है। e हमारा 4 है, g हमारा 8 है, f हमारा 6 है और c 29। तो यहाँ से C 11 मिल जाएगा। देखिए ये हो गया कितना, 14 18, उधर जाएगा 11 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर टू, D प्लस बी प्लस जी प्लस एफ 26 के बराबर है। D हमारा 6 है, B निकालना है, G हमारा 8 है और F हमारा 6 है, 26 हो जाएगा। तो B जो यहाँ से आएगा 26 आ जाएगा बी। और इक्वेशन फर्स्ट से ए हमारा आएगा, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई 21। तो ए 6 8 4, ये क्या हो जाएगा, 12 और 18, ए हमारा 3 आ जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ओनली सी बताइए। तो यहाँ देखिए ये हमारा वेन डायग्राम था, ये पी वन प्रोडक्ट पसंद था, ये पी टू प्रोडक्ट पसंद था और ये पी थ्री प्रोडक्ट पसंद था। तो हमको पर्सन लाइक्ड प्रोडक्ट पी थ्री ओनली, लाइक प्रोडक्ट पी थ्री ओनली हमको फाइंड करना था। तो ये हमने नाम दिया था ए बी सी डी ई एफ और जी। तो ओनली सी क्या हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा, और सी हमारा कितना आया था, 11। तो हमारा हो गया।